अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा एक कैमरा 4K गिम्बल है जिसका नाम है ओस्मो पॉकेट। DJI कंपनी का ये है और आज उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके जो रिव्यू होगा वो हम सेकंड वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों आज का प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है अनबॉक्सिंग के लिए, इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप पहले इसकी सीधी खोल कर साइड पर करते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मिल जाता है सिलिकॉन, जो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारी गिम्बल, इसको साइड में रख देते हैं और इसके बाद देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये स्ट्रैप मिल जाता है इसका और उसके बाद हमें मिल जाता है ये सी टाइप केबल, सी टाइप कनेक्टर में मिल जाता है। इसको भी साइड में रखते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैप भी साइड में आ गया और ये हमें हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसफ़र के लिए टाइप सी की हमें USB केबल मिल जाती है, जो कि हम इसको लगा के मोबाइल में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है और इसमें हम देखते हैं तो हमें ये बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है जो कि हम लोग कभी नहीं पढ़ते खोल के, तो देख देते हैं। बाकी ये बॉक्स खाली, बॉक्स को रखते हैं साइड पे और हम अपना गिम्बल खोलते हैं। गिम्बल खोल के रेफर साइड में, तो दोस्तों ये हमारे पास हमारा गिम्बल मौजूद है। इसको हम इसके कवर से निकाल देते हैं और ये देखते हैं, ये एक प्लास्टिक का हाई केस है अंदर, इसमें सॉफ्ट वेलवेट लगा हुआ है जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन प्रोटेक्ट रहती है। और ये हमारे पास आ गया हमारा DJI ओस्मो पॉकेट 1। इसकी सील हम पहले ब्रेक कर देते हैं, ये री इसको निकाल देते हैं सील और इसको हम ऑन कर देते हैं। इसको 2 सेकंड पकड़ेंगे ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये ऑन हो गया हमारे पास। इसका जो एक कंप्लीट रिव्यू होगा और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं ये इसका हमें एक आईफोन का कनेक्टर मिल जाता है इसके साथ ही, और यहाँ इसका कैप होता है वो मेरे पास अभी कहीं और रखा हुआ है तो मैं उसको लेना भूल गया कहाँ पर है। और इस पर मैंने सेपरेट 4K स्पीड का 64GB कार्ड डाला है एक्स्ट्रा, जो कि 170 MB पर सेकंड की स्पीड रखता है। इसको हम वापस ऐड कर देते हैं। इसका थोड़ा हम क्लोज़अप आपको दिखा देते हैं फोकस करके। एक यहाँ पर इसमें वेलवेट या कुछ फोम टाइप का लगा है जो कि हमें पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी देता है मज़बूत, और ये पीछे भी एक अच्छा सा केस बना हुआ है। और ये नीचे ये टाइप सी से ये चार्ज होता है और यूज़ होता है। इसको हम अगेन ऑन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह ये इसको हम थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकते हैं। ये आ गया इसका गिम्बल और इसको अगर हम देखें तो ये एक तो फ़ोटोज़ हम इससे ले सकते हैं हाई स्पीड मतलब 4K तक के, और इसमें वीडियोस की स्पीड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 1080p आ जाता है, 2.7K आ जाता है और 4K भी आ जाता है अप टू 60 FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड। और ये इसकी जो मैक्सिमम टाइम बताया जाता है कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है वो है 140 मिनट्स की बैकअप देता है ये, और इसके साथ आप कंटिन्यूसली आप पावर बैंक लगाकर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्रोडक्ट था ये और इसका कंप्लीट रिव्यू और किस तरह ये काम करता है, हाउ टू यूज़ इट, उसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।